Oh,
हमरे पाके दातना से बात लागी पुतो फुली हो फरी हो दूधन नहाई हो भैया राम राम सबकी हमका तुम लोग जान नहीं पायो हमारा नाम है शांति और हमरे बुढ़ाऊ तो जनते हुई हो राम दीन नाव है एक हमारे भैया है या हमारी बिटिया है भैया का हमारे नाव है अजय और बिटिया का नाव हमारी है गीता लेकिन वो एक पोता को घूमा कर तुरा घुमाए आवा है भैया पोतल फरंग घुन हाँ हाँ आज घर में तुम्हारे बहुत सुनना कालो परा है हमारे भैया बहुत बड़े होटल में पढ़ाई जाते हैं होटल में नहीं कहा ढाबा पर जाते हैं काहे हॉस्टल कहा जाते काकी हॉस्टल तो हम वहाँ ही नहीं हाँ और जीजी कहा गई गीता जीजी हम जैसे घर आई ना तुरंत गाती राय लो गुजिया खाई लो आजू राय दिखाई दी भैया बताओ बिटिया लगे फूल वही से महकती है बिटिया लगे यहाँ बहुत बचाव का पड़ते है यहाँ बात सही का बिटिया हमारे घर के बाहर निकलती ना आई है अजय भैया हाँ जीजी सब नहीं बोझ ली हो हाँ भैया और मुझे
भैया ने बात मेरे इंतजार करते होंगे। उसे सुख दीजिए। हाँ भैया, खाना ना खा चुके हो? हाँ खाना तो खा चुका हूँ। इतना ही नहीं, पैक भी कर दिया है। हाँ बाजी, आपसे कह रहे थे कि भैया के लिए गाना चुनना बंद कर दिया। हाँ बिटिया, लेकिन माँ जी। हाँ बेटा, क्या बात? दोस्त की बात ये है, बड़ा सोच तो जो क्या बात है, बताओ तो, बताओ तुम, बताओ बताओ ना। हम कले तुमको जी टेंशन ना की है भैया। बात बोलिए माँ जी, आप तो अच्छी तरीके से जानते हैं, पिछली बार भी किसी ने कहा था कि बहुत जल्द फीस जमा कर दीजिए, मुझे तो कॉलेज से मैं निकाल दूंगा। और आप तो किस तरीके से जाती हैं माँ जी, मेरा इम्तहान मेरे पास आ गया है, अगर जो आज फीस जमा नहीं होगी तो मैं कॉलेज में बैठने को नहीं पाऊंगा, इसलिए आज मैं कह रहा हूँ मुझे 2000 रुपये की बहुत जरूरत है, मुझे आज फीस जमा करना है, मुझे 2000 रुपये चाहिए माँ जी। भैया तुम तो सब जानते हो, बताओ भैया
जिस शख्स को तो है
व्यवस्था संभालो, मैं तुम्हारा इंतजार वही करूंगा पीपल के पेड़ के नीचे, मैं तुम्हारे काले फिर लेकर अभी आ